रहे हैं और विपक्ष सीबीआई जांच की डिमांड कर रहा है, आपका क्या मत है उस पर? कह रहे हैं कि पायलट साहब भी देखिए, मैंने आप जानते हैं कि पदों को बढ़ाने के लिए मैंने एक पत्र लिखा था मुख्यमंत्री महोदय को, और ये बात स्पष्ट है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है, ये बेरोजगार नौजवानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और ये परीक्षा भी अधिकांश वो लोग देते हैं, नौजवान बच्चे बच्चियां, जो मध्यम वर्ग से आते हैं या ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में रहने वाले लोग हैं। 26 लाख लोगों ने इस परीक्षा को दिया था और 26 लाख परिवार, मतलब लगभग 1.25 करोड़ लोग इससे सीधा प्रभावित हो रहे हैं। अब जब गड़बड़ियां सामने आई हैं तो सरकार ने बर्खास्तियां भी की हैं, कड़े कदम उठाए हैं, जांच का गठन का आदेश भी दिया है और एक कमेटी बनी है जो 45 दिन में राय देगी कि कैसे भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना घटे, तो 45 दिन में राय देगी। सदन के अंदर कानून बनाने का प्रस्ताव भी सरकार की तरफ से आया है कि यह कैसे रिपीट ना हो और कैसे हम लोग यूपीएससी के पैटर्न पे परीक्षाओं को यहाँ पर कंडक्ट करें, क्योंकि मत भूलिए ये नौजवानों के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। और मैं समझता हूँ इस देश और प्रदेश की जो धरोहर है वो किसान और नौजवान है, उनके भविष्य के साथ किसी भी तरह से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि विश्वास कायम करने के लिए, इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, धोखा नहीं दिया जाएगा, उनके भविष्य को सुरक्षित रखा जाएगा, सरकार को कदम उठाने चाहिए। जांच पारदर्शी होनी चाहिए, समयबद्ध तरीके से होनी चाहिए, और अगर कोई भी दोषी पाया जाए, कोई कितने बड़े पद पर हो, कितना बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति हो, उसका उदाहरण बनकर सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ये तो सरकार को करना ही है। लेकिन जैसे मैंने कहा, इतने लाखों लोगों के, लाखों परिवारों के इससे सीधा प्रभावित होते हैं, बहुतों को निराशा भी हुई होगी, भविष्य के बारे में